नवमबई मनपा चुनाव से पहले बीजेपी और महाविकास आघाड़ी में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। सबसे अधिक जोर उत्तर भारतीय बहुल दीघा इलाके पर है। यहां शिवसेना ने बीजेपी के कद्दावर नगर सेवकों को अपने खेमे में मिला लिया है। इस पर उत्तर भारतीय युवा नेता वीरेश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि राम आशीष यादव और नवीन गौते बरसाती मेढक हैं और जहां सत्ता रहती है वहां चले जाते हैं, और इसीलिए उन्हें छोड़कर सैकड़ों उत्तर भारतीय कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। वीरेश सिंह ने दावा किया कि जल्द ही दीघा में दल बदल का बड़ा धमाका होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। आने वाले दिनों में जल्दी 2-5 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा का धमाका दीघा में है कि आप देखेंगे। और राम आशीष जी ने अपना वार्ड कभी छोड़ा नहीं। जैसे ही नाइक साहब की सत्ता गई वैसे ही उन्होंने पलटी किया। ये कहीं कहीं नहीं है, ये लोग अपनी एड़ी चोटी का बल लगा ले। महापौर गणेश जी नाइक साहब का भारतीय जनता पार्टी का ही बैठने वाला है। नवमबई मनपा चुनाव भले ही कुछ दिनों के लिए ठहर गया है, लेकिन राजनीतिक दलों से कार्यकर्ताओं की आउटगोइंग का सिलसिला जारी है। ताजी खबर उत्तर भारतीय बहुल इलाके दीघा से है, जहां कभी नवीन गौते के साथ रहे उत्तर भारतीयों का रुझान अब बीजेपी की ओर बढ़ गया है। कभी नवीन गौते के परम सहयोगी रहे वीरेश सिंह ने खुलासा किया कि दीघा क्षेत्र के 10 वार्डों के कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी खेमा छोड़कर बीजेपी में आने को बेताब हैं। वीरेश सिंह के अनुसार नवीन गौते के शिवसेना में जाने से कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन बहुसंख्यक उत्तर भारतीय गणेश नाइक के साथ हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता रोज बीजेपी से जुड़ रहे हैं। वीरेश सिंह की माने तो अगले 2-4 दिनों में दीघा में दल बदल का बड़ा धमाका होने वाला है। नुकसान तो ऐसा नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, पार्टी का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन ये जो नुकसान की भरपाई है वो लोगों को, गणेश नाइक साहब के नाम पे सब चलता था, भारतीय जनता पार्टी का मतदार है, मोदी जी के नाम पे चलने वाले लोग हैं, हमारा उत्तर भारतीय समाज एक मोटा बड़ा वर्ग बोलेंगे जो है दीघा विभाग में है चप्पे चप्पे में। तो जो सारी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग घर घर जा रहे हैं, मिल के बात कर रहे हैं, तो और जितने कार्यकर्ता नए जुड़ रहे हैं, आप देखे होंगे कि पिछले महीने में कई बार प्रवेश होते गए, और फिर आने वाले दिनों में जल्दी 2-5 दिनों के अंदर ही इतना बड़ा का धमाका दीघा में है कि आप देखेंगे और खुद पूरी जनता देखेगी। दीघा की तरह यादव नगर का भी यही हाल है। राम आशीष यादव के शिवसेना में जाने के बाद उत्तर भारतीय युवा नेता वीरेश सिंह भी नाराज हैं। यहां 10 वार्डों की जिम्मेदारी संभाल रहे वीरेश सिंह ने कहा कि राम आशीष यादव बरसाती मेढक हैं, वे जहां सत्ता रहती है वहां चले जाते हैं, जब तक गणेश नाइक की सत्ता रही उनके पीछे छिपते रहे। वीरेश सिंह ने दावा किया कि दीघा प्रभाग के 10 वार्डों में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हो चुकी है, बाकी 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है जिसे हम हर हाल में जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने दावा किया कि महाविकास आघाड़ी के नेता चाहे जितना तिकड़म अपना लें, लेकिन महानगर पालिका में सत्ता बीजेपी की आएगी और गणेश नाइक का ही महापौर बनेगा। समाज का नेतृत्व तो पहले से ही हम ही लोग करते हैं। राम आशीष जी ने अपना वार्ड कभी छोड़ा नहीं, ठीक है। आज तक सिर्फ 15 वर्ष जब तक गणेश नाइक साहब मंत्री थे तब तक उनके छत्र छाया में छिपे हुए थे। जैसे ही नाइक साहब की सत्ता गई वैसे ही उन्होंने पलटी किया। ये कहीं कहीं नहीं है, ये जहाँ सत्ता रहेगी वहीं रहने वाले हैं। जैसे बरसाती मेढक नहीं होते कि जहाँ पे बारिश रहेगी वहाँ टर टर करेंगे फिर निकल जाएंगे। हर जगह हर वार्ड में नाइक साहब की ताकत खड़ी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की ताकत खड़ी रहेगी, और जो चुनाव है उसमें जनता इनको बता देगी कि इनका लोगों में इनका क्या है। 10 प्रभागों में से 5 प्रभाग तो हम कैसे भी अपना निकालने वाले हैं, और बाकी 5 प्रभागों में ये कोशिश चल रही कि अच्छे उम्मीदवार देके जितने जोर से लड़ाई हो, यहाँ ये भी इनको सीधे तरह से छोड़ने वाले नहीं है, ये मैं 100% गारंटी बोलता हूँ आपको। ये लोग अपनी एड़ी चोटी का बल लगा ले। महापौर गणेश जी नाइक साहब का भारतीय जनता पार्टी का ही बैठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।